वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित चिन्मय धाम आश्रम के प्रमुख और कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैंट वाला संत कहा है। उन्होंने कहा कि संत की कोई वेशभूषा नहीं होती, उनके सिर्फ विचार होते हैं, इसलिए पीएम मोदी पैंट वाले संत हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने सेमयोगी और मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अवैध मदरसों में गलत काम करने की प्रेरणा दी जाती थी। प्रसिद्ध चिन्मयानंद बापू शनिवार मेरठ के प्रसिद्ध औखरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानवापी प्रकरण पर कार्बन डेटिंग को लेकर कहा कि धैर्य रखें, एक दिन अवश्य आएगा जब हम लोग फिर से वहां जाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकेंगे। यूपी में चल रहे मदरसों के सर्वे पर उन्होंने कहा कि अभी तक के सर्वे से साफ हुआ है कि हजारों मदरसे अवैध ढंग से संचालित हो रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में अच्छे कार्य प्रदेश में हो रहे हैं। गौरतलब है कि अगले माह में स्वामी चिन्मयानंद मेरठ में रामकथा का वचन करेंगे। सुनिए चिन्मयानंद बापू से मिली जानकारी। भले ही वो पैंट पहनते हैं, लेकिन पैंट वाले संत हैं। संत की वेशभूषा नहीं होती है, संत के भीतर की उसके जो सद्गुण होते हैं उससे संत रूप माना जाता है। और योगी साहब तो हमारे योगी जी है ही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो मैं हृदय से प्रशंसा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।